हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस पे चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2020 बंद की सीरीज। तो गाइस, इसमें हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 60 जो कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, और उसके साथ हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन जो इसी के साथ चल रहा है। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गाइस, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब क्या करता है, बहुत मोटिवेट करता है कि गाइस क्या है कि आगे वीडियो बनाने के लिए आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर कोई कमेंट आता है तो मैं बहुत ही लाइक मुझे रिप्लाई करना भी पसंद है, और मैं चाहती हूँ कमेंट आए बिकॉज उससे पता चलता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ वो भी आप बताइएगा इस। ठीक है, तो गाइज ये चैप्टर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली क्या है गाइज, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आता है मतलब मैसेज आता है कि मैम जल्दी कंप्लीट करिए, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करिए। तो दोस्तों मेरी कोशिश तो रहती है लेकिन क्या करें, और भी काम होते हैं गाइज तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या बंगाल विभाजन। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। तो गाइस यहाँ लिखा है बंगाल जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। गाइस देखिए घोषणा कब हो रही है, 20 जुलाई को हो रही है। अब 7 अगस्त 1905 को क्या होता है, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी जाती है। देखिए गाइस, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब करी जाती है, 7 अगस्त 1905 में, और जो ब्रिटिश सरकार जो है निर्णय लेती है बंगाल विभाजन का, बोलते निर्णय ले रही है अभी हुआ नहीं, 20 जुलाई 1905 को लेती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐतिहासिक जो आपकी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है उसमें क्या होता है, ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित होता है। इस बहिष्कार प्रस्ताव का मतलब क्या हो गया, देखिए बहिष्कार प्रस्ताव का मतलब होता है जो भी आपकी ब्रिटिश वस्तुएं हैं उसका, जो भी ब्रिटिश वस्तु हैं या फिर जो भी ब्रिटिश अधिकारी हैं वो या उनकी नौकरी का सेवाओं का क्या करो, बहिष्कार करो। ठीक है, और स्वदेशी की तरफ आओ। ठीक है, इसीलिए इसका जो इसमें जो आंदोलन चला है इसके साथ वो स्वदेशी आंदोलन चला है, बहिष्कार करिए आप विदेशी वस्तु का, विदेशी सेवाओं का, हर चीज़ का, और स्वदेशी को अपनाएं, इसलिए स्वदेशी आंदोलन इसको बोला गया। तो इसी के बाद क्या होता है, बंगाल के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उसमें वंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से क्या होता है, एकजुट होकर प्रारंभ किया जाता है। वंग भंग यानी कि बंगाल भंग, भंग मतलब बंगाल, भंग मतलब भंग और विभाजन, और सॉरी विरोधी, बंगाल को भंग किया जाता है ना, मतलब दो पार्टों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो बंग भंग विरोधी आंदोलन है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, बंगाल जो है विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इस दिन लोग क्या, इस दिन को कैसे मनाते हैं, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर क्या होता है, संपूर्ण बंगाल में ये इस दिन क्या होता है, राखी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो शोक दिवस और राखी दिवस, और राखी दिवस किसके कहने पर, किसके सुझाव पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। तो लिखा है विभिन्न सॉरी फिर लिखा है विभाजन के बाद जो है पूर्वी और पश्चिम बंगाल में जो है बंगाल बट जाता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे देखते हैं, सपोज कि ये हमारा क्या है, बंगाल है। ठीक है, तो बंगाल जो है बट गया आपका, एक पूर्वी साइड हो गई, एक आपकी पश्चिमी साइड हो गई। तो पूर्वी साइड में तो गाइस देखिए क्या नाम है, पूर्वी बंगाल और असम आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूर्वी बंगाल और असम को मिला के क्या बनाया जाता है, पूर्वी बंगाल। राइट, तो गाइस इसमें क्या है कि आपका जो है राजशाही, चटगांव, ढाका, ये तीनों आ जाते हैं, और जो यहाँ का मुख्यालय होता है ना गाइस वो हो गया ढाका, जो आज पहुंच गया है गाइस। अगर हम पूर्वी बंगाल और असम को अलग कर दें तो जो पूर्वी बंगाल है आज का बांग्लादेश है। ठीक है, तो अब लिखा है जो दूसरी तरफ क्या क्या आते हैं, एक तो आता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आता है और बिहार आता है, यहाँ पे तीन आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। गाइस एक चीज़ और, जब हमारा भारत आज़ाद होता है यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, तो जो पाकिस्तान दो पार्ट लेता है, एक लेता है वो वेस्ट पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, और एक होता है ईस्ट पाकिस्तान। तो ये वही वाला ईस्ट पाकिस्तान हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि आज बांग्लादेश है। ठीक है, तो जो यही वाला जो है ना ईस्ट पाकिस्तान जो है 1971 में क्या होता है, जब वॉर हो जाती है तो उसमें क्या होता है, वो बांग्लादेश में बदल जाता है, यानी कि वो पाकिस्तान हट जाता है और वहाँ बांग्लादेश बन जाता है। और अगर हम वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो देखिए, नहीं सॉरी, वेस्ट पाकिस्तानी वेस्ट, अब अगर हम इस वाली साइड की बात करें तो गाइस आप आज भी जानते हैं जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो इसी के नाम पर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, जो ईस्ट बंगाल था वो आज बांग्लादेश बन चुका है, और जो वेस्ट बंगाल था उसमें से क्या करा इन्होंने, यहाँ पे बिहार को अलग कर दिया, उड़ीसा को अलग कर दिया, वेस्ट बंगाल वैसे का वैसे ही रह गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वो ईस्ट
जो ईस्ट बंगाल था और ये वेस्ट बंगाल जो भारत में आज भी है वह वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो इसमें लिखा है बंगाल का विभाजन क्या के टाइम कौन थे जो वायसराय थे, वो थे लॉर्ड कर्जन। उनका जो टाइम पीरियड था वो 1899 से लेकर 1905 तक था। 1905 में ही बंगाल विभाजन हो जाता है। फिर लिखा है कि जो उस वक्त बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे, सर एंड्रयू हैंडरसन लीज फ्रेजर थे। ठीक है, उनका टाइम पीरियड क्या था गाइस, 1903 से लेकर 1908 था। ठीक है, वो किस में थे, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 के योजना इसकी मतलब में होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है, स्वदेशी आंदोलन जो हम चला रहे होते हैं वहाँ पर बंगाल में। ठीक है, उसका क्या करते हैं, समर्थन ही करते हैं। वो कहते हैं भैया कि देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पूर्व एवं पाश्चात सभ्यता के मध्य क्या एक बेहतर समन्वय संबंध संबंध के समर्थक थे। कहते हैं भैया अगर आपको लगता है आपकी पूर्वी संस्कृति बेहतर है तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको पश्चिम से भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको अलग मत करो, ये मत करो स्वदेशी स्वदेशी और आप जो पाश्चात संस्कृति है पाश्चात वस्तु हैं वो उसका बहिष्कार मत करो। ठीक है, ऐसा कहना था रविंद्रनाथ टैगोर का। कहते थे कुछ आप अपने में से तो है ही, आपके में जो अच्छा है वो आप अपने में से लो, लेकिन जो आपको लगता है पश्चिमी संस्कृति में भी सभ्यता में भी अच्छा है तो प्लीज़ वहाँ से अडॉप्ट करिए। ठीक है, तो उनका मानना था कि पश्चिम, ये क्या कहते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, कहते थे भैया पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती करी। ठीक है, तो यह दोनों के बीच असमंजस का मूल कारण है, परंतु यह अर्थ नहीं कि जो पूर्व है वो भी पश्चिम को समझने की गलती करे। ठीक है, इन्हें कहा कि भैया पश्चिम ने तो भैया पूर्व को समझने की गलती करी है, अब ये मत करिए कि जो पूर्व है वो भी पश्चिम को समझने की गलती करे, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें वो पश्चिमी सभ्यता पश्चिम से ग्रहण कर सकते हैं जो अच्छी चीज़ें हैं। और गाइस हर एक में अच्छी चीज़ें भी होती हैं बुरी चीज़ें भी होती हैं, तो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने में कोई बुराई है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो आगे लिखा है गाइस, यहाँ पर लिखा है कि बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में जो बंगला पत्रिका संजीवनी के जो संपादक हैं क्या है, कृष्ण कुमार मित्र नाम था उनका, संजीवनी के संपादक थे। ठीक है, उनने अपनी जो पत्रिका है कि 13 जुलाई 1905 के अंग में सर्वप्रथम जो है सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया कि जो सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, दूसरा शोक मनाना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा जो सरकारी अधिकारी है और सरकारी संस्था उन सभी से संपर्क तोड़ देना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा बिल्कुल बहिष्कार करिए, जो विदेशी माल है यानी ब्रिटिश माल है उसका बहिष्कार। ठीक है, शोक मनाइए, जो अधिकारी है वो अपना पद छोड़ दें। बहुत सारे भारतीय अधिकारी थे जो ब्रिटिश ऐसे सरकारी पद पे थे वो छोड़ दें, जो सरकारी संस्था है उससे भी अपना रिश्ता तोड़ दें, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना कि 16 जुलाई 1905 की जो है जनसभा द्वारा किया गया, ये उन्होंने उस टाइम बोला। ठीक है, तो यह ऊपरी तौर पर जो है यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या बताया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार कहती है भैया बंगाल विभाजन हमने इसलिए नहीं किया है कि लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, नहीं, जो प्रशासन है वो बंगाल क्या है बहुत बड़ा एरिया है तो उसको हम क्या करेंगे उसमें प्रशासनिक सुविधा देने के लिए क्या उसको अलग अलग कर दो, छोटे छोटे दो प्रांतों में कर दो, यानी दो अलग अलग क्षेत्र कर दो। ठीक है, ताकि प्रशासनिक सुविधाएँ जो है आसानी से दी जा सके, परंतु वास्तव में क्या होता है मुख्यतः बंगाली जो राष्ट्रवाद है उसकी वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। जो बंगाल में लोग थे वो राष्ट्रवादी थे बहुत तगड़े तरीके से थे, तो उनको उनकी राष्ट्रवादिता को कम करने के लिए किया गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो तात्कालिक जो वायसराय थे उस वक्त गाइस कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो उनके अनुसार क्या है, अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी में बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में क्या है कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। ये लगता था बंगाल यार बहुत स्ट्रांग है उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं से क्या होता है पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन भी होता था। फिर लिखा है साजिशें रची जाती थी वहां से। ठीक है, ऐसा अंग्रेजों को लगता था। तो लिखा है स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो क्या है, उसका तात्कालिक कारण क्या था, बंगाल विभाजन था। मतलब ये कहा जाए कि यार स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उसका जो कारण था वो क्या था, बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के जो प्रमुख जो है प्रस्तुतकर्ता गाइस कौन थे, देखिए हमने देखा था जो कांग्रेस जब हम पढ़े थे भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतलब INC पढ़े थे जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि 1907 में क्या होता है कांग्रेस का विभाजन होता है एक गर्म दल और एक नरम दल। तो गाइस जो गर्म दल होता है उसमें कौन होता है, उसमें होते हैं लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये नाम पढ़े थे। ठीक है, आइए आगे देखते हुए, तो इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है, एक तो गए अरविंद घोष, बाल पाल और लाल, यानी कि लाला लाजपत राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो ये थे, तो ये उसके समर्थक थे। मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें
क्या है, समर्थन दिया था। तो ये लोग क्या है, स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। किंतु अब जो उदारवादी गुट था यानी कांग्रेस भी दो गुटों में विभाजित होगा भी आगे, ये 1905 की बात है, हम 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, ठीक है, तो उदारवादी गुट में होता है और उग्रवादी में। तो उदारवादी गुट क्या, इसके विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे यार स्वदेशी आंदोलन जैसा कुछ हो, ठीक है, मतलब वो आंदोलन नहीं चाहते, वो कहते थे भैया अगर आपको करना है तो ठीक है आप करिए, बिल्कुल कोई मना नहीं है, आप प्रस्ताव लाइए विधानसभा के माध्यम से करिए, सरकार के माध्यम से आप अपनी बात को रखिए, सरकार के सामने आप अपनी बात को सही तरीके से रखिए, ये उनका कहना था। तो बंगाल में बंगाल से प्रारंभ हुई स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में क्या, देखिए अब कौन कहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा, तो इसमें लिखा है लोकमान्य तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, वो बंबई पुणे में थे, अजीत सिंह लाला लाजपत राय पंजाब में थे, उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा थे दिल्ली में, सॉरी, तो लाला लाजपत राय पंजाब में एवं उत्तर प्रदेश में थे, सैयद हैदर रजा जो थे वो आपके दिल्ली में थे, और चिदम्बरम पिल्ले ये मद्रास प्रेसिडेंसी के नेतृत्व मतलब इसमें जो है इन लोगों ने समर्थन किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के समय क्या होता है, आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने क्या है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना करी। तो गाइस क्या याद करना है, जो स्वदेश बांधव समिति है उसकी स्थापना कौन करते हैं, अश्विनी कुमार दत्त करते हैं। इस आंदोलन का सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, इसमें ये थी जो स्वदेशी आंदोलन है उसकी विशेषता देखिए क्या है, इसमें यह था कि महिलाओं का इसमें जो है सक्रिय रूप से भाग लेना था, मतलब महिलाओं ने बहुत ज़्यादा इसमें क्या है भाग लिया था, किंतु किसान बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग हो गए, मतलब किसने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया लेकिन जो किसान है वो अलग रहे इससे और जो मुस्लिम्स हैं वो अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या होता है, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था, मतलब अब ये पूछा जाए कि शीर्ष गीत यानी कि मेन जो गीत था स्वदेशी आंदोलन का वो क्या था, वंदे मातरम था, ठीक है। तो ब्रिटिश पत्रकार क्या नाम है, H.W. नेविनसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन जो है स्वदेशी, कौन सा ब्रिटिश पत्रकार है जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था, तो वो ये थे, क्या नाम है, H.W. नेविनसन, ठीक है। तो इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और दिल्ली क्रॉनिकल के लिए क्या है रिपोर्टिंग करी थी, और बाद में इन्होंने रिपोर्ट जो बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को क्या है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में जो है संपादित किया था। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में क्या है अपने बड़े भाई, क्या नाम है, गणेंद्र नाथ के साथ मिलकर क्या है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा क्या है प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई, ठीक है। आगे बढ़ते लिखा 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है गाइस, क्या इंपॉर्टेंट है कि जो 1911 में क्या होता है कि जो सम्राट हैं ब्रिटिश के यानी कि जॉर्ज पंचम और जो महारानी मैरी वो कहाँ थे, इंडिया आते हैं और उनके लिए क्या है एक दरबार का आयोजन होता है, कहाँ पर, दिल्ली में होता है। तो दिल्ली दरबार में ही क्या होता है कि 12 दिसंबर का डेट है वो याद रखिएगा, और इस डेट क्या होता है कि ये भी याद रखिएगा। तो 12 दिसंबर 1911 को क्या होता है कि सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया, यानी कि जो बंगाल विभाजन होता है इसका होता है 1905 में होता है, वो उसको जो है 12 दिसंबर 1911 में जो है जब ये ब्रिटिश सम्राट और महारानी आए तो उन्होंने क्या है उसको रद्द कर दिया, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको वापस से एक कर दिया, ठीक है। तो साथ ही कलकत्ता की जगह क्या है दिल्ली को भारत की नई राजधानी बना दिया गया, यानी कि जो आप कहें कि 1912 से पहले क्या होता है कि जो राजधानी होती है मतलब ये जो आयोजन होता है उससे पहले जो होता है भव्य दरबार के पहले जो भारत की राजधानी होती है वो कलकत्ता थी, अब जो होता है इसके बाद वो जो राजधानी होती है वो दिल्ली कर दी जाती है, क्योंकि बंगाल में रहना इतना आसान अब था नहीं अंग्रेजों के लिए, उन्हें लगता था भैया यहाँ से जो है प्रतिरोध ज़्यादा आएगा और हमें दिक्कत होगी काम करने में, तो उन्होंने क्या करा कहा कि भैया यहाँ से दूर चलो। तो वो कलकत्ता से कहाँ पहुँच जाते हैं, दिल्ली पहुँच जाते हैं, अपनी राजधानी उठाते हैं और दिल्ली पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो घोषणा यहाँ पर हो जाती है, तो घोषणा के अनुरूप क्या होता है बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया जाता है और उड़ीसा तथा बिहार को इसे अलग कर दिया जाता है। जैसे हमने कहा था ना वेस्ट बंगाल में जब हम पश्चिमी बंगाल की बात कर रहे थे जब विभाजित हुआ था तो जो पश्चिमी साइड पे था वो पश्चिम बंगाल आता है, उड़ीसा आता है और बिहार आता है। तो इसने कहा वो जो एरिया है बड़ा सा जिसमें 3 चीज़ें हमने करी थी उसमें से क्या करो आप उड़ीसा को अलग कर दो और आप क्या करते हैं बिहार को, और वेस्ट बंगाल जो आज का हम वेस्ट बंगाल देख रहे हैं गाइस वही है वेस्ट बंगाल, तो वो वहीं रह जाता है, उसका नाम वेस्ट बंगाल ही रह जाता है, बाकी उड़ीसा और बिहार क्या होता है अलग हो जाता है। ये कहानी कब की है, 1912
फिर लिखा है कि जो हमने इधर ईस्ट वाला देखा था उसमें हमने देखा था ईस्ट बंगाल और असम देखा था, तो इसने कहा कि असम को यहाँ पे क्या बना दिया गया, जब जोड़ते हैं ना तो असम को यहाँ क्या कर दिया, नया प्रांत बना दिया गया, जैसा कि उसकी जो है स्थिति 1874 में थी, और सिलहट को क्या कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया, यानी कि सिलहट को जो है असम में जोड़ दिया गया, जो ईस्ट बंगाल और जो असम था तो असम को अलग कर दिया गया और सिलहट को असम में जोड़ दिया गया। तो गाइज यहाँ पे जो हमारे नोट्स हैं वो हो जाते हैं ख़त्म। आगे हम जो बढ़ते हैं, यहाँ हम अब जो आगे देखेंगे उसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, हाँ 35 क्वेश्चंस हैं, तो मे बी आधा घंटा लगेगा गाइज और ये हो जाएगा हमारा चैप्टर कम्प्लीट। देखिए यहाँ पे आधा घंटा नहीं तो मे बी 20 मिनट लगेगा। और तो इसमें लिखा निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ, क्या हुआ, देखिए हड़प्पा नीति, बंगाल का विभाजन, स्थाई बंदोबस्त और सहायक संधि। तो गाइस बंगाल विभाजन 1905 में होता है और स्थाई बंदोबस्त और ये सहायक संधि और ये सब पहले हो चुका है। तो इसमें लिखा है उपरोक्त घटनाओं में सर्वप्रथम क्या होता है कि 1793 में क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की, ठीक है, और क्या है लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य नैतिक पद्धति में लाने के लिए क्या है सहायक संधि प्रणाली लाते हैं, ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो इसमें लिखा है लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु क्या है हड़प नीति, सॉरी हड़प्पा तो नहीं था ये हड़प नीति, तो हड़प नीति का प्रयोग किया, ठीक है। तो आगे लिखा है कि जो विकल्प है उसमें लिखा है कि जो सबसे लास्ट में होता है वो 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है बंग बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ, तो गाइस कब होता है आपका 7 अगस्त 1905 में होता है, ठीक है, 1905 तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखिए गाइस जो हमने ऊपर वाला पढ़ा है ना, तो ये व्याख्या काफ़ी नई थी, नई क्या थी गाइस हम पढ़ के तो आए, बट इसको आपको नोट्स में लिखना है, अगर अलग से आप क्वेश्चन आंसर के नोट्स बनाएंगे तो देखिए नोट्स जो अभी हम नोट्स पढ़ चुके हैं उसके नोट्स बनाइए, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर की व्याख्या है उसमें से सिर्फ आप उसी चीज़ को लिखिए जो हमने अभी नोट्स में नहीं पढ़ी है, तो हमें इसमें कुछ नया मिल जाएगा, थोड़ी डेट वेट आपको नहीं मिल जाएगी और ज़्यादा कुछ नहीं, और ये सीक्वेंस आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा पहले क्वेश्चन में। अब जो दूसरे क्वेश्चन की व्याख्या है इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी नया है, आइए देखते हैं। तो इसमें कुछ आपको दोबारा से नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। लिखा है ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में क्या होता है स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा होती है। तो इसमें क्या होता है ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित होता है और इसके बाद क्या होता है बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग बंग विरोधी आंदोलन जो है औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो जाता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। तो इसमें गए अगर आप कहें कि कुछ भी नया है तो बिल्कुल गलत बात है, एक भी नया नहीं, तो यहाँ बच गए, ठीक है, यानी कि इसको आपको अपना टाइम बचाने के लिए गए यहाँ पे लिख दो सेम, ठीक है, कि इस व्याख्या को आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं। फिर लिखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो लिखा है बंग बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है, तो गाइस कौन सा होता है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो कब की गई थी 19 जुलाई 1905 में की गई थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा जो है तिथि क्या बताई, वैसे तो 20 जुलाई थी, ठीक है, तो 1920 आसपास है तो 19 जुलाई बताई गई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वॉयसराय ने किया, तो लॉर्ड कर्जन थे उस वक्त, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन यानी कि उनका टाइम पीरियड जो था वो 1899 से 1905 था, तो उनके काल में होता है, कब होता है 1905 में होता है, जो इसके निर्णय का की घोषणा जो है आपकी 20 जुलाई 1905 को की जाती है और 16 अक्टूबर 1905 में ये लागू हो जाता है। तो यहाँ लिखा है 1911 में क्या होता है दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन निरस्त हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है और उस टाइम ही क्या होता है जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली बन जाती है। अब यहाँ लिखा है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, गाइस आप जानते हैं बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, गाइस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम जानते हैं हम पढ़ के आए हैं, तो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। तो यहाँ लिखा है सर एंड्रयूज फ्रेजर जो है, देखिए नाम पूरा देखिए, सर एंड्रयूज हेडिसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के जो है अधिकारी थे और इन्होंने क्या इनका जो कार्यकाल था यानी कि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कब से कब तक थे 1905 से लेकर 1908 तक थे, तो अपनी सेवाएं दी है और बंगाल विभाजन कब होता है 1905 को की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लिखा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुई आंदोलन का नेतृत्व किया है, तो यहाँ लिखा है गाइस
नेतृत्व किसने किया है? तो यहाँ पे लिखा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो इन्होंने किया है। लिखा है बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है, एस एन बनर्जी का। इस लिखा है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व और पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो आर एन टैगोर लिखा है यहाँ पे, तो हम जानते हैं। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि यार पूर्व और पश्चिम की जो सभ्यता है उसके मध्य क्या एक बेहतर समन्वय होना चाहिए, कुछ आप आपके पास अच्छा है कुछ आप दूसरों से लीजिए। क्या बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इस किसने दिया था, तो ये दिया था जो कृष्ण कुमार मित्रा थे उन्होंने दिया था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो जो बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, बंगाल की एक पत्रिका थी जिस संजीवनी उनके जो उसके संपादक थे कौन, कृष्ण कुमार मित्र, उनकी पत्रिका के उन्होंने क्या 13 जुलाई 1905 के अंक में इसको दिया था बहिष्कार का सुझाव। फिर लिखा है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ओके तो इस कब अपनाया गया था, कहानी तो 1905 की चली तो 1905 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या लिखा है, यहाँ लिखा है लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई है और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव जो है आपका पारित हुआ है जिसमें क्या होता है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। अब यहाँ लिखा है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, सी लिखा है यहाँ पे बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर, देखिए अंग्रेजों को लगता था यार बंगाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है वहाँ पे राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा है, तो उसकी यही लिखा है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। लिखा है ऊपरी तौर पर क्या है, यदि भी ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य क्या बताया, प्रशासनिक सुधार बताया था, ठीक है, परंतु वास्तव में क्या बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार क्या अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासन से हटाने और बंगाल की आबादी का क्या है बंटवारा करने और एक ऐसे केंद्र को समाप्त करने जहाँ से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता है और शादी से रची जाती है, यह ऐसा अंग्रेज सोचते थे, आइए और सही भी सोचते थे। लेकिन बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्य जो है प्रारंभ किया, क्या क्या किया उन्होंने, स्वदेशी आंदोलन तो बिल्कुल होता है वैसे, तो इसका आंसर है डी यानी कि 1, 2, 4। देखिए 2 यानी कि स्वदेशी आंदोलन हम जानते हैं, बॉयकट का मतलब हो गया आपका गाइस बहिष्कार, और राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है राष्ट्रीय शिक्षा पहले हमने वैसे नहीं पढ़ी बट हाँ बाकी तो हम जानते हैं, 1 और 2 तो था ही गाइस, 1 और 2 था आपका, 1 और 2 था, ठीक है। तीसरा लिखा असहयोग, असहयोग गलत है गाइस, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी कि 3rd तो हमारा गलत है बिल्कुल, ठीक है आप इसका आंसर ऐसे ही बता सकते हैं, अगर असहयोग गलत है तो 3rd गलत है, 3rd गलत है, 3rd गलत है, ठीक है। असहयोग आंदोलन आएगा गाइस, आगे आएगा, ये अभी की बात नहीं आगे की बात है, अगर आपने सही से पढ़ा हो तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसमें लिखा है जो है कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, उसके विरोध में क्या है राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को हुई कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया और यह जो दिवस है राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था और टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की और बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय, तो ऐसे इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए इन्होंने जो टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर क्या बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना करी और कम समय में पूरे देश में क्या है अनेक राष्ट्रीय विद्यालय की क्या होती है स्थापना होती है। 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है गाइस, बहुत चीज़ इसमें है जो कि नहीं है गाइस, आपको याद करनी पड़ेगी, नोट्स में इसमें आप जरूर लिखेगा। तो 1906 में क्या होता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान आदर और क्या है आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 जो है प्रस्ताव पारित किए। तो गाइस एक बार और देख लेते हैं कि जो कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1906 में उसमें कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, एक होता है स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन, ठीक है ये दोनों तो हम एक साथ पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन।
फिलहाल अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में क्या है, राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाया। और 1920 में क्या के नागपुर अधिवेशन में गैस क्या होता है, असहयोग प्रस्ताव आता है, यानी कि असहयोग प्रस्ताव देखिए कब आता है, 1920 में आता है। कौन सा अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, और सी आर दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था, ठीक है, सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में जो है अपनाया गया। स्वदेशी और बहिष्कार कब आया था, जब बंगाल विभाजन होता है, तो गाइस पहला आंसर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। लिखा है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो गाइस हम सब जानते हैं स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, तो बंगाल विभाजन था। लिखा है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ऑप्शन ए। तो यहाँ लिखा है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था, और इस अवधारणा के प्रमुख जो है प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष और लोकमान्य, कैसे वही लाल बाल पाल और अरविंद घोष थे, ये लोग स्वदेशी आंदोलन का पूरे देश को स्वदेशी आंदोलन को ये क्या करना चाहते थे, पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध में था, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल, इसमें भी कुछ भी नया नहीं, जहाँ नया होगा वहाँ मैं जरूर बताऊँगी दोस्तों, जहाँ नया नहीं होगा वहाँ पर टाइम वेस्ट करना नहीं है, वहाँ आप लिख दीजिएगा सेम और उसको स्किप करिए और आगे बढ़िए, अपना टाइम बचाइएगा, चाहे वो 5 सेकंड हो चाहे वो 10 सेकंड हो, ठीक है। अब यहाँ लिखा है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ और इसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजन हुआ, जो है विभाजित हुआ, ओके। तो गाइस इसका आंसर है 1911। तो 1911 में हमने देखा था कि जैसे जो वेस्ट बंगाल, आइए पढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल से जैसे बिहार और उड़ीसा अलग हो गया था, उधर पूर्वी बंगाल और असम अलग हो गया था, असम के संग सिलचर आपका ऐड हो गया था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है दोस्तों, दिल्ली दरबार होता है, ठीक है। कौन देखिए, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे। तो गाइस यहाँ पे लिखा था दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंजाब और कौन महारानी मैरी भारत में आते हैं, ठीक है, उनका स्वागत होता है दिल्ली में दरबार लगता है, ठीक है। अब दिल्ली दरबार में क्या होता है, 12 दिसंबर 1911 में क्या होता है, बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया जाता है और कलकत्ता की जगह अब दिल्ली को क्या है, राजधानी बना दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, नए प्रांतों का गठन होता है, ठीक है, पुनर्गठन होता है, जैसे उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया जाता है और असम को क्या है, नए प्रांत, असम का नया प्रांत बना दिया जाता है। वेस्ट बंगाल उड़ीसा बिहार होता है जिसमें उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया जाता है, वेस्ट बंगाल जो हम आज भी देख रहे हैं, और इस साइड था पूर्वी बंगाल और असम था, तो पूर्वी बंगाल असम को अलग कर दिया, असम को इसने अलग कर दिया और इसमें 1874 से पहले जैसा था वैसा कर दिया, और सिलहट को इसमें, सिलचर बोला था, मैंने गलत बोला था, सिलहट को इसमें क्या है, जोड़ दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, कब तक बना रहा, 1911 1912 में वापस से हो जाता है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि देखिए जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है तब तक की बात है, यानी कि लॉर्ड सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में क्या होता है, कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया जाता है। तो गाइस हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, 1911 में हुआ था गाइस, ठीक है, तो 1911 में होता है, 12 में क्या होता है, दिल्ली राजधानी वाली कहानी चलती है, ठीक है। ठीक है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था, तो गाइस कब किया गया था, 1911 में किया गया था। देखिए एकीकृत तो किया गया, लेकिन उसमें से क्या बहुत सारे जो है प्रांतों को अलग कर दिया गया, या आप कह सकते हैं कि राज्यों को अलग कर दिया गया, तो विभाजन ही हुआ एक तरीके से फिर से, लेकिन हाँ एक भी कर दिया गया, ठीक है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गाइस मद्रास में किसने किया था, तो वो गाइस इनका नाम है ये चिदंबरम पिल्ले। देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग नेतृत्व अलग अलग जगह पर नेतृत्व किया था, तो जैसे जैसे इसमें लोकमान्य तिलक ने कहाँ किया था, बंबई पुणे में किया था, अजीत सिंह और क्या है लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया था, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में किया था, और चिदंबरम पिल्ले ने कहाँ किया था, गाइस मद्रास में किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो किसने किया था, अभी हमने पढ़ा लाला लाजपत राय ने किया था। निम्नलिखित में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में से मुख्यतः जो है अप्रभावित रहा, ओके। तो देखिए बहुत बड़ा योगदान रहा था इसमें महिलाओं का, कृषक नहीं थे आपके, मुसलमान नहीं थे, आइए देखते हैं कि हम इससे निकाल सकते हैं आंसर अपना। तो देखिए कृषक नहीं थे और 2 और 3 तो नहीं था, तो 2 नहीं था 3 नहीं था 2 नहीं था 2 नहीं था, ये क्या कहानी हो गई, कृषक भी नहीं थे या कृषक थे, अच्छा इनका कौन अप्रभावित था मतलब कौन नहीं था, तो यही दोनों नहीं थे, ऑब्वियसली आंसर यही है गाइस, ठीक है, 2 और 3 आंसर है। तो गाइस अगर आपको देखिए हमने नोट्स में बुद्धिजीवी तो पढ़े नहीं, ठीक है, तो इनके बारे में आइडिया नहीं है, हमें पता था महिला तो थी, महिला थी, महिला थी, महिला थी, तो गाइस आंसर तो आपका निकल गया, ठीक है। तो ये आप गाइस इसमें लिखा है कर्जन ने 20 जुलाई
20 जुलाई 1905 को क्या बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार सब कुछ सेम है गाइस, और कुछ नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्र जो है राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था, तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन के टाइम, जब बंगाल विभाजन होता है उसके बाद। स्वदेशी आंदोलन के जो दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन क्या होता है, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ नया मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपके नोट्स में लिखने के लिए है। तो इस दिन क्या होता है, घरों में चूल्हे नहीं जलते, ठीक है, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में क्या हड़ताल घोषित हो गई, जनता ने जुलूस निकाला, सवेरे क्या है जत्थे क्या लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किए। तो जो है वंदे मातरम इस आंदोलन का क्या था, शीर्ष गीत था। तो लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर बांधी थी और ये जताने की कोशिश की थी बंगाल को बांटकर अंग्रेज जो है उनकी जो एकता है उसको उसमें कोई दरार नहीं डाल सकते, इसलिए राखी दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। इसमें लिखा है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के क्या है चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है ए, यानी कि इसमें लिखा है लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का में उनका नेतृत्व किया, ओके। लिखा 1898 में क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा की आयोजना योजना जो है सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। देखिए कहानी बिल्कुल अलग है इस क्वेश्चन की, और जो इतनी अलग कहानी आती है वो आईएएस के क्वेश्चन में आती है। थर्ड इसमें लिखा है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ठीक है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान करना। तो गाइस ये है आईएएस का क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली आईएएस का क्वेश्चन हिसाब किताब जो है बिल्कुल एकदम अलग होता है आपका स्टेट पीसीएस या स्टेट लेवल से। तो गाइस इसमें लिखा है कि इसमें ए असत्य है, इसमें लिखा है 22 साल के मुस्लिम किसानों ने क्या है आंदोलन में उसका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। तो लिखा है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ लिखा है डी, यानी कि ये बंगाल तक ही सीमित था। गलत गाइस, ये मद्रास में भी पहुँचा था, बम्बई में भी पहुँचा था, पुणे में भी पहुँचा था, पंजाब में भी पहुँचा था, उत्तर प्रदेश में भी पहुँचा था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह नेतृत्व किया था। तो गाइस ये पढ़ने का काम है आपका, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ नया हो सकता है। इसमें लिखा है स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका, मतलब मुस्लिम इससे अलग थे। पहली बार इस आंदोलन ने स्त्रियों को घर से बाहर निकाला और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी और धरने पर बैठने लगी स्त्रियाँ, ठीक है। परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, केवल 22 साल ही इसका अपवाद था कि मतलब वहीं के जो है किसान इससे प्रभावित हुए। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च और मध्यम वर्गों तक ही सीमित रहा, ठीक है। फिर लिखा है स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया है। फिर लिखा है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। देखिए स्वदेशी की बात है तो हो सकता है, और क्योंकि देखिए गाइस यहाँ हमने नोट्स में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, आइए थोड़ी इसकी समझ अपने आप डेवलप होगी। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में क्या है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है, चले आए देखें। तो इसमें लिखा है सी, यानी कि दोनों सही है। यानी कि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गाइस यही तो हुआ, स्वदेशी का मतलब बहुत हुआ गया। फिर लिखा है कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार क्या इस दौरान जो है सूती वस्त्र आयात में क्या होता है लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आती है। क्योंकि अब देखिए हम जो विदेशी है उसका बहिष्कार रहे हैं, तो यार आयात करके आप करेंगे क्या जब स्वदेशी को हम अपनाना चाह रहे हैं। तो लिखा है हथकरघा उद्योग, रेशम और वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि इसके व्यापक मतलब इन सबको क्या मिलता है प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि अब हम स्वदेशी आंदोलन पर आ गए, स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं। तो ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या होता है 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था किसी व्याख्या में, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक था। तो इसका उद्देश्य क्या है, साहित्यिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण तक जो है राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। तो गाइस काफ़ी अच्छी व्याख्या है इसकी, ये बिल्कुल ही नई है, आप इसको अपने नोट्स में लिखिएगा। तो गाइस ऐसा होता है कि कुछ इतने सारे क्वेश्चन में हमने देखे 2 से 3 या 4 ही ऐसी व्याख्या आई है जिसमें आपको कुछ नया मिला है, थोड़ा ज़्यादा अलग से मिला है, ठीक है, उसको आपको लिखना है, बहुत मुश्किल है नहीं नोट्स बनाना। इसमें लिखा है ब्रिटिश पत्रकार, क्या नाम है, H.W. Nevinson जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे ये क्या, देखिए इसमें लिखा है ब्रिटिश पत्रकार H.W. Nevinson स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे और इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर क्या कहते हैं मैनचेस्टर
मैनचेस्टर गार्जियन, फिर है ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग भी की थी, और बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को क्या है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम की पुस्तक के रूप में जो है संपादित किया था। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, देखिए गाइस इसमें भी कुछ नया नहीं है आपको अलग से लिखने के लिए। ठीक है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए क्या है एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी गाइस। चलिए आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गंगनेन्द्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत होती है। तो गाइस इसके साथ हमारे नोट्स और जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो होते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार आप इतना एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इतना करिए, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, इससे क्या होता है कि मन करता है। हाँ, और कमेंट आते हैं तो गाइस और अच्छा लगता है, और कमेंट आते हैं ठीक है तो उनके अकॉर्डिंग करने में भी मज़ा आता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करिए। तो गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो आप देख सकते हैं, कांग्रेस बनारस कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। ठीक है गाइस, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप चिंता मत करिएगा, कहीं बीच में कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है गाइस, यूट्यूब पे चैनल मतलब वीडियो बनाना इतना बना के अपलोड करना इतना आसान होता नहीं है। तो गाइस यहीं तो ठीक है, यहीं पे अपने वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।